जिसको हम टीचर कहते हैं ना, उसकी पता क्या जॉब होती है? वो हाथ, आपका हाथ पकड़कर आपको आपके अंदर के टीचर से मिला देता है। तो मैं उन्होंने इंडिया की कुड़ी भी ना चाहवा वो तो मैंने विलफुली किया। मैं आपको पता है मैं सब खिलाफ हूँ आइटम सॉन्ग के, वो मैंने इंडिया के लिए। आप उसके बोल सुने खाबों में जब मैं पाकिस्तान गई रहे तो बची लिया उन्होंने तो और खुशी नहीं होती। बिल्कुल चले जाना। मुझे बताइए, मैंने 12वें एपिसोड में तलाक हुई है, एक थप्पड़ मारा है उसने? तो आई गेव दिस राइट। मैं आपको आपको आपका सवाल रुकिए, आप देखिए मैं समझ गया हूँ। मैं जब वो रोहन कर रहा था ना जिनाब बाग में, तो जस्टिस जवेद इकबाल गुजर रहे थे किसी अंग्रेज के साथ, तो उन्होंने अंग्रेजी में कहा एक फिक्रा, और मैंने सिर्फ इतना सुना, बाकी मुझे पता चल गया कि बाकी का क्या कहा होगा। उन्होंने कहा गुनाह करना हर आदमी का राइट है। And I smiled at that because I got the residue answer. Residue answer was, you have every right to commit the sin, but be ready for the punishment equal to it. गुनाह करने का राइट है ना, आप आइए अभी मेरे ऊपर थप्पड़ मार लीजिए। उसका उसका you will have to suffer for that. वो गुनाह का बराबर हिसाब होता है। मौलाना मौदूदी साहब ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था गलती बांझ नहीं होती, बच्चे देती रहती है। गुनाह बांझ नहीं होते, बच्चे देते। आपने एक चीज नोटिस की, व्हेन शी वाज वाइफ शी चीटेड ऑन हर हस्बैंड, दैट वाज वेयर शी कमिटेड द सिन। अगर वो उसको पहले दिन जब उसको पता चला कि आई एम फॉर दिस मैन, तो उसको कहती गल सुनने सुने मैं नहीं रहना तेरे नाल, आई हैव फॉलन इन लव विद समबडी एल्स, दैट वाज द राइट एक्ट। Every man believes के मेरे पास तुम और you are the biggest property I have, लेकिन वो उसके पास नहीं। आपको ये कहना क्यों पड़ता है कि तुम मेरे पास तुम हो? ये भरे में कोई डर है आपको अंदर, वरना ये कहना नहीं पड़ता। आप रोज उठ के आपका बेटा आपको कहता आप मेरे बाप हैं, नहीं कहता। कहने की जरूरत ही नहीं। तो जब ये कहना पड़ता है ना कि मेरे पास ये भी नहीं, ये भी नहीं है, हलवदार मेरे पास तुम हो, तो है पीछे प्रमुख कहानी। मैंने उसको करोड़ रुपया पूरा करने के लिए अपने दोस्तों से पैसे कर्ज लिए, वो 65 लाख के करीब, और फिल्म बनाई कर्ज, नाम भी कर्ज। उसे मुझे ना 81 लाख से बनी, वो 65 लाख का नुकसान हुआ। कितना हो गया? 1,65,00,000। उस पर लगा सूद, तो टोटल हो गया 2,10,00,000। मैंने उस मुदारबे को, मेरा बेटा आबी खान लालिश का हीरो, जो कम ही किसी बाप ने अपने बेटे को इस तरह पाला होगा जिस तरह मैंने उसको पाला है, मैंने उससे ज्यादा पाला है फर्स्ट पंजाब मुदारबा को। मैंने एक अनबिलीवेबल 70 करोड़ रुपया कमा के दिया 3 सालों में, जिसकी वजह से मेरी रैपिड ग्रोथ, आई वाज द यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट इन बैंक ऑफ पंजाब। लेकिन इस 1 करोड़ की वजह से मेरी जान मुसीबत में फंस गई। अब मुझे सिर्फ ये कहा जा रहा था कि आप सिक्योरिटी अरेंज कर लें, 2,10,00,000 के बाद उन्होंने सूद लगाना बंद कर दिया। अब मैं सिक्योरिटी अरेंज कर रहा था, तो उस सारे सिनारियों में मेरे ऊपर जब बुरा वक्त आता है ना, तो असल में मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, पहले खुदा मुझे इस तरह नजर आता है कि मुझे दोस्त दुश्मन की तमीज़ कराता है मेरा अल्लाह। तो उस सारे अरसे में जो एक आदमी मेरे काम आया, उसका नाम था डॉक्टर मकसूद।
लेकिन उसकी प्रॉपर्टी कुल थी 32-33 लाख। अब ये करते करते उनसे वक्त मांगते 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 4 साल गुजर गए। एंड आई वॉज ट्राइंग, मुझे इतना पता चल गया था कि अल्लाह ने मुझे राइटर रजिस्टर कर दिया है। अब मुझे सिर्फ फाइनेंस चाहिए था कि मैं प्ले बना, एक प्ले मैं बना चुका था बूटा फ्रॉम टू बटे, जिससे मुझे रास्ता नजर आ गया कि मैं 2 करोड़ 10 लाख उतार दूँ। एंड आई वॉन्टेड टू पे इट बैक, ओके, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरा सारा नुकसान बैंक ऑफ पंजाब का प्रॉफिट था, याद रखिएगा, बट आई वॉज पेइंग इट। और मेरे घर में खाने को रोटी भी नहीं होती थी। जिस दिन मैं पहला नेशनल अवार्ड लेके आया था ना, मेरे बच्चे 52 घंटे से भूखे थे, और मेरी नज़र उस अवार्ड पर नहीं थी जिसको लोगों को 20-20 साल बाद मिला, मुझे अपनी पहली फिल्म पर मिला। लोग धाड़े मार के रोए थे खुशी से, और मेरी नज़र उन 50,000 रुपये पर थी जो उसके साथ मिलने थे, क्योंकि वो जाने थे और मेरे बच्चों ने रोटी खानी थी। यही अभी खान 5 साल का था, ये मेरे पास आया एंड ही वॉज हंग्री फॉर लास्ट 36 आवर्स। कहता पापा मुझे भूख तो नहीं लगी हुई। एंड दैट वॉज द ओनली डे आई वेप्ट इन माई लाइफ। He was actually consoling me. Anyway, तो अब एक लम्हा ये आ गया कि पुलिस की मोबाइल घर के करीब से गुजरती थी तो मेरे घर वालों का रमफक हो जाता था। इस तरह मैंने 3 साल गुजारे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, 3 साल मेरे घर के सामने से वैसे ही पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस की मोबाइल निकल गई। घर की बेल होती थी तो मैंने कोई अच्छी जूती पहनी होती थी, उतार के कैची चप्पल पहन लेता था। टाइम आ गया, घर वालों से सेटल हो गया कि देखो मैंने मर्डर तो नहीं किया हुआ, एक जुर्म है, उसमें मुझे 2-3 साल की सजा हो जाएगी, तो मैं वहीं बैठ के लिखूंगा। इस तरह दिलावर मलिक आया करेगा, वो ले जाएगा, आधे पैसे बैंक को दे दिए जाएंगे आधे, इस तरह हमारी जिंदगी गुजर जाएगी, डरना नहीं। और शुरू शुरू में वो कहते हैं ये बातें ना करो बातें, फिर वो मान गए हैं, ये वाला लेवल आ गया। तो बैंक ने अब मेरी तनख्वाह भी बंद कर दी, गाड़ी की मेंटेनेंस भी बंद कर दी। तो गाड़ी का इंजन क्या कहते हैं वो, नहीं खराब हो गया, वो उसको बनाना था। तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से को फ़ोन किया सरगोदा, मैंने कहा यार पैसे नहीं है और गाड़ी का इंजन बनवाना है, पैसे 10-15 दिन में मिलेंगे, इज इट पॉसिबल। उसने कहा गाड़ी लेकर सरगोदा आ जाए। मैं सरगोदा जाने लगा, प्लीज़ लिसन केयरफुली, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मेरे अब्बा ने कहा कि यार मेरा वो 5वां रिसाला एक जगह है, वहाँ मेरा एक एग्रीकल्चर ऑफिसर है, वो रिटायर हो रहा है, तो मैं उससे मिल लूँगा यार, मुझे साथ ले जाओ। मैं चलिए साथ चलिए। 500 रुपये थे मेरे पास, 272 रुपये का मैंने पेट्रोल डलवाया, गाड़ी की टैंकी फुल हुई और मैं सरगोदा चला गया। गाड़ी जाकर उसको दी गई, उसने इंजन बांध दिया और अगले दिन उसने रनिंग पे लगा दिया, उसको उसी रात रनिंग पे लगा दिया। और मुझे कहा कि जब आप कल जाएँ तो इसको 60 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड पर मत चलाइएगा। तो हम को 20-20 किलोमीटर के वक्फे के बाद 5-6 रुपये का मोबाइल डलवाते थे। नतीजा ये हुआ कि मैं जब 9:45 बजे रात को वहाँ बुर्ज पिंड में पहुँचा तो मेरे पास 110 या 108 रुपये थे। एंड आई वॉज नॉट श्योर एट ऑल बिकॉज पेट्रोल अब ख़त्म हो चुका था कि इन पैसों से लाहौर पहुँच जाएंगे, और हम खाना नहीं खा रहे और भूख ऐसी है कि आप सोच नहीं सकते। हम वहाँ गए, खुई थी वहाँ मज़ार के अहाते में, वहाँ से हमने वज़ू किया, हमने ईशा की नमाज़ पढ़ी और अब्बा जी तस्बीह कर रहे थे। आई वॉज वेटिंग के 5-7 मिनट की तस्बीह है, फारिग हों तब निकले। तो इतने में वो बंदा एक आता है, कहता है जनाब खाना खाए बगैर ना जाए। तो मुझे लगा मेरा दिल किया, मैं उठ के उसका मुंह चूम। वो दाल, मूंग की दाल और मक्के अब उसकी रोटियां लेके आया। मैं शायद ज़िंदगी में ऐसा अच्छा खाना मैंने आज तक नहीं खाया, ना खा पाऊँ। मैंने सैर होकर वो खाना खाया, हम दोनों माँ बाप बेटे ने खुई का पानी पिया ठंडा, और हम गाड़ी में बैठ के निकले। नहीं ना, हम खाना खा के फारिग हुए हैं तो एक बंदा बैठा हुआ है, सफ़ेद कुर्ता, हल्का मैला, सफ़ेद धोती और एक परना रखा हुआ है जिसको वो पहले सर पे बांध के नमाज पढ़ा था, अब गद्दे पे डाल लिया उसे। तो उसने मुड़ के अब्बा की तरफ देखा, क्या जी सबज नंबर प्लेट में गड्डी ताड़ी? अब्बा जी ने कहा हाँ। खैर है किसी मसले लगाए? अब्बा जी ने कहा हाँ। की मसला? ये खुदा को देखने का मंजर शुरू होने लगा। किसने पूछा था ये सवाल? हाँ। अच्छा सिक्योरिटी चाहिए तो कितना लोन? अब्बा ने कहा 2 करोड़ 10 लाख। तो सिक्योरिटी कितने की चाहिए? अब्बा ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा जी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो तो डबल।
कहता जी एग्रीकल्चर होगा, मैं कहता 3 गुना, मतलब कि 6 करोड़ 30 लाख। तो जे सिक्योरिटी हो जाए तो गड्डी तुहाडे कोल रहेगी, सबक नंबर वाली नंबर प्लेट वाली, मैं भी मेरे कोल ही रहेगी। लखो पता लिखाओ, ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब्बा जी ने पता, मैं अब्बा जी को देख रहा हूँ यार क्या कर रहे हैं, मेरी ये टोन है। हम बाहर आए और दोनों हंसे आके गाड़ी में, कि ये क्या है ये तमाशा। हम वहां से उस 2:45 बजे रात लाहौर पहुंचे। सो सुबह 7 बजे मेरे घर में एक कोहराम मच गया कि सादा वर्दी में पुलिस आ गई। मेरी बीवी ने रोना शुरू कर दिया, मैंने उसको तसल्ली दी, मैंने कहा देखो ये तो होना था, अब रिलैक्स करो, इस तरह मेरी हिम्मत टूटेगी। और मैंने वो घड़ी बड़ी उतारी, चप्पल पहनी, एंड आई वाज अबाउट टू मूव फ्रॉम द बेड। अब्बा जी का एक मिनट याद रहा, मैं देखा हूँ। तो अब्बा जी नीचे जाते हैं और उसके बाद हंसने की आवाज़ से कुछ लोग ऊपर चढ़ गए। तो मैंने देखा वो लोग आ गए हुए थे। 3:30 बजे दोपहर को वो 7 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागज जमा करा के वहां से चले गए हैं सर। ये फिल्मों में भी नहीं होता। तो मैंने इस तरह अल्लाह को देखा होगा, काम गए भैया। मुझे एक बात सुनिए, एक पाई जिस पर मुझे शक हो जाए कि वो मेरी कमाई नहीं है, मैं मर जाऊंगा नहीं खाऊंगा। मैं उन्हीं पैसों को बिलीव करता हूं जो आपके कमाए हैं, उससे ज्यादा को बिलीव करता हूं कि आपकी कीमत है, कीमत ले लेता हूं। सर हमने किसी ने किसी से सीखते हैं, वक्त से भी सीखते हैं, लेकिन कोई पर्सनालिटी भी होती है, तो आपने कभी किसी से कुछ सीखी है? अच्छा, अब मैं आपको ये बात मैं कहना चाहता था उस वक्त जब मैं तकरीर कर रहा था, आप कभी किसी से नहीं सीखते। आपका उस्ताद आपके अंदर होता है, और जिसको हम टीचर कहते हैं ना, उसकी पता क्या जॉब होती है? वो हाथ, आपका हाथ पकड़कर आपको आपके अंदर के टीचर से मिला देता है। तो हम किसी से नहीं सीखते, ये एक ढकोसला है जिस पर हमने अपनी काबिलियत को ज़ाया करते हैं। मुझसे इम्प्रेस मत होइए, मेरी बातों को सुनिए, जो अच्छी लगे उनको अपने तई अब इवेल्यूएट कीजिए और उस रास्ते पर चल पड़िए जो आपके अंदर का उस्ताद आपको बता रहा है। इम्प्रेस हो जाना अपनी काबिलियत को जंग लगा देने के बराबर। नहीं, अब एक दिन उनको मैंने बैठ के समझाया था, एक दिन वाकया हुआ। देखिए अभी आपको, मैं इतना मसरूफ आदमी रहा कि मैं अपने बच्चों को बैठ के समझा नहीं पाया। एक दफ़ा मेरे पास 7 कनाल का घर था, तो उसका ड्राइववे था बहुत लंबा, तो बाइक आ गई, तो मैं बाइक लेके चलाने लग गया, तो मेरे बच्चे टेरेस पे खड़े थे, दे स्टार्टेड लाफिंग। मैंने कहा हंस क्यों रहे हो? तो पापा आपको मोटरसाइकिल चलानी आती है। तो परेशानी हो गई, उसे मुझे पता चला कि मैं कहीं गलती कर गया हूँ। मैंने कुछ नीचे बुलाया, बिठाया, मैंने कहा ये जो तुम्हारी गाड़ियाँ हैं ना, मुझे अल्लाह की कसम इनकी कोई खुशी नहीं हुई आज तक जितनी मुझे सौराब की साइकिल लेते हुए खुशी हुई थी। तो तुम मोटरबाइक की बात कर रहे हो भैया, मैंने तो जितनी साइकिल चलाई हुई तुम इमेजिन नहीं कर सकते। तो वो बच्चों को ग्रेजुअली समझाया कि देखो मैं किसी को बताऊंगा ना तो लोग अपनी गुर्बत से डरेंगे नहीं, क्योंकि गुर्बत को मैं मानता नहीं हूँ। गुर्बत जेब की नहीं होती, गुर्बत बिलीव कर लेने की होती है कि मैं गरीब हूँ।